नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा के जुझारू नेता पूर्व डीआईजी रामतीर्थ परमहंस पासवान ने अपने जिला अध्यक्ष और समर्थकों के साथ खागा कस्बे में मतदाताओं से संपर्क किया और आने वाले विधायक को बहुत ही सोच समझकर वोट करना है। अपने मनपसंद विधायक को चुनकर अखिलेश यादव को एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता का सेवा करने का मौका देने का काम जनता जनार्दन करेगी। और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन ने बताया कि अब गुंडों की सरकार बदलनी है, ये जनता ने ठानी है। आइए सुने क्या कहा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन यादव ने। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज ऑल इंडिया फतेहपुर, जिला रिपोर्टर अनिल कुमार केसरवानी की कवरेज फतेहपुर से। पूरे उत्तर प्रदेश में पूंजीवादी व्यवस्था को हावी किया है, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया है और एक जात विशेष के लोगों को इस सरकार ने बढ़ावा दिया है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने ठाना है, नौजवानों ने ठाना है, बुजुर्गों ने ठाना है, किसानों ने ठाना है कि सरकार को बदलना है और नौजवानों की सरकार लाना है, किसानों की सरकार लाना है, मजदूरों की सरकार लाना है और आम जनमानस की, गरीब की सरकार लाना है, मजदूर की सरकार लाना है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 400 सीटें पाएंगे। निश्चित तौर से जिस तरीके से आम जनमानस का उत्साह हम लोग देख रहे हैं और समाजवादी के पक्ष में जिस तरीके से लोग अपने अपने जगह पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, गाँव में, गलियों में, शहरों में, निश्चित तौर से ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी।